हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में, और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, पाई लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, पाई लिस्टेड होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर, और उसके साथ पाई कॉइन ने अपने रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो पाई नेटवर्क ने बोला था। और ओवरऑल आप जानोगे कि पाई नेटवर्क कौन से टेक्निकल चीज़ों पर काम करता है, क्या क्या चीज़ें स्पेशल है जो और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर नहीं है, कुछ इंटरनेशनल अपडेट है जिसको हम कवर करेंगे, वेब 3.0 को लेके अपडेट है, ब्लॉकचेन्स को लेके अपडेट है, और कुछ सरप्राइजिंग है जो वीडियो के अंदर ही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई चेन इंटरनेशनल की तरफ से आ चुका है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इन्होंने गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स बोले थे। यहाँ पे आप सभी को पता है 62 पाई ये फ्री में देने वाले थे उन सभी विनर्स को जो लिस्टेड होते। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बोला था, और ये कुछ प्रूफ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, कितने सारे लोगों को 62.80 पाई मिले हैं आज की डेट के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारी आप सभी को ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप सभी को सेम पेमेंट्स देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन सभी लोगों को ये अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिले हैं #PCM पाई टुडे स्पेशल की तरफ से। दिस रिवॉर्ड इज़ वेल डिजर्व बाई पाइनियर्स हु ट्रस्टेड एंड सपोर्टेड PCM पाई चैन मॉल। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल। ठीक है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसको मिला, क्योंकि इसी को अगर आप सही तरीके से माइन करोगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे आज की डेट के हिसाब से, जिस तरीके से आज का माइनिंग बेस रेट चल। एंड गाइस अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के कुछ टेक्निकल अपडेट्स के बारे में, किस तरीके की टेक्नोलॉजी ये फॉलो करते हैं। ओवरव्यू ऑफ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क इज नोन एज अ मोबाइल ऐप दैट अलाउ यूजर्स टू माइन द क्रिप्टो करेंसी पाई फॉर फ्री ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेज। अभी जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जो फ्री में माइनिंग कराती है वो पाई नेटवर्क है, बट अभी के टाइम में मार्केट के अंदर पाई नेटवर्क को देख के बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है जो आप फ्री के अंदर फ़ोन से माइन कर सकते हो। द प्रोजेक्ट वॉज फाउंडेड बाय द टीम ऑफ फॉर्मर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर नाइकोलस। तो यहाँ पे डॉक्टर नाइकोलस ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मिलके ये चीज़ को क्रिएट की है, और जो फाउंडर है निकोलस हैं, और ये बेसिकली खुद भी एक हाई नॉलेजेबल पर्सन हैं। और दोस्तों जो बिटकॉइन जब अपने टाइम पे स्टार्ट हुआ था तो उसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी उसको द प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, जो उस टाइम पे एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है, बट पाई नेटवर्क एडवांस टेक्नोलॉजी पे यूज़ करता है। पाई नेटवर्क यूजेज अ कॉन्शियस प्रोटोकॉल कॉल्ड स्टेलर कॉन्शियस प्रोटोकॉल SCP। ठीक है, ये एक नया एल्गोरिदम है जिसको हम फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसको FDBA बोलते हैं, दैट डज नॉट कंज्यूम फोन रिसोर्सेज। मतलब कि ये आपकी बैटरी वगैरह को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। बट बिटकॉइन के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे एक अच्छा खासा आपको अमाउंट देना पड़ता था क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के लिए। बिटकॉइन की स्पेशली हम बात करें तो आपको एक प्रॉपर रूम चाहिए होता था, प्रॉपर इंटरनेट, एक PC, अच्छा CPU, ये सारी चीज़ें चाहिए। बट पाई के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ़ोन होना चाहिए और उसके साथ इंटरनेट होना चाहिए, आप इससे ईजिली माइनिंग कर सकते हो। गाइस अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियल ओपन मैरेंट था वो बेसिकली क्यों रोका गया था, क्यों डिले किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं। इस चीज़ को लेके ऑफिशियली आर्टिकल आ चुका है। जैसा बताया जा रहा है, पाई नेटवर्क को फाउंडर नाइकोलस फेसेस एक्यूजेशंस ऑफ डिसेप्शन एंड डिले मैनेंट लॉन्च। सो बेसिकली अभी के टाइम में 5 मिलियन के आसपास लोगों का जो KYC है वो कंप्लीट हो चुका है, और 47 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी टोटल एक्टिवली पाइनियर्स हैं, जो पाई नेटवर्क के साथ कोई ना कोई पेमेंट करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग, मतलब कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी KYC कंप्लीट करनी है, और मैक्सिमम लोगों की KYC के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पेंडिंग है, किसी के कुछ नेम्स में इशू है, अलग अलग इशूज़ हैं। इस वजह से जो ओवरऑल था ओपन मैनेंट को रोका गया था, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है। क्योंकि अगर ओपन मैनेंट होगा तो उस सिचुएशन में सबकी KYC होना ज़रूरी है लीगल टर्म्स के अंदर, तभी वो प्रॉपरली अप्रूव्ड हो पाएगा। अदरवाइज जिसकी KYC कम्प्लीट होगी, जैसे कि 5 मिलियन लोगों की KYC कम्प्लीट है, तो यही सब लोग जुड़ पाएंगे एज अ ऑफिशियल लॉन्चिंग के साथ, और सारे जो बेनिफिट्स हैं ये उठा पाएंगे, और बाकी जो 4 करोड़ लोग हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे सीधा सीधा जो लॉस होने वाला है वो पाई नेटवर्क को होगा, और उसके साथ उन सभी पाइनियर्स को होगा जो अच्छे खासे टाइम से यहाँ पर माइनिंग कर रहे थे। और जो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
पाई नेटवर्क की यूटिलिटीज़ यहाँ पे एज अ एप्लीकेशंस हो गया, प्रमोशंस हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, चीज़ों को बेसिकली ये कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छा खासा भी ये कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ जो नेगेटिव फैक्टर्स थे जो KYC को लेके हैं, इन्होंने बोला है कि हम ऑटोमेशन को ऑन कर रहे हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। बट कहीं ना कहीं मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे KYC को लेके कोई खास अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा। बस इन्होंने बोला है, ये ज़्यादातर अभी जो पाई नेटवर्क फोकस कर रहा है वो सेकेंडरी जो चीज़ है यूटिलिटीज़ को लेके उन्हीं पे फोकस कर रहा है, प्रमोशंस पे फोकस कर रहा है, एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये चाहता है कि हम जितने भी यूज़र्स हैं उनको जोड़ सकें अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको NFT, मेटावर्स, गेमिंग और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे कि नए नए लोग इससे ग्रैप हो और नए नए लोग इसको जोड़ें। पाई नेटवर्क का एक अलग ही मोटिव है, मेरे को लगता है कि वो एक बहुत मास ऑडियंस बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा पाइनियर्स बनाना चाहता है। और एक बार में जब वो लॉन्च करेगा इस चीज़ को तो एक अलग ही लेवल होने वाला है, पूरे क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री के अंदर ऐसी क्रिप्टो करेंसी पहली बार होगी। क्योंकि आप खुद देखो, अभी पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, फिर भी इसकी जो हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो पूरे ग्लोबल लेवल पे एज अ गूगल सर्चेस की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे या टॉप 5 में, ब्लॉकचेन्स की बात करें, Web3 की बात करें, हर जगह पे हमें लिस्टिंग देखने को मिलता है। एंड ट्विटर की फ़ैन फॉलोइंग्स की बात करें, हैशटैग्स की बात करें, तो हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी, वो भी अभी तक कोई भी सेलिब्रिटीज़ इस चीज़ के अंदर नहीं एंगेज हुए, फिर भी जितने रियल पाइनियर्स हैं उनकी पावर के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। तो कोई ना कोई बहुत बड़ा गेम होने वाला है पाई नेटवर्क, जो आप सभी को सरप्राइज़ देने वाला है। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था, पाई नेटवर्क की जो लिस्टिंग है वो बाइनेंस पे हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो अभी इस चीज़ को लेके आर्टिकल आ चुका है कुछ घंटे पहले। अभी आप जाके बाइनेंस के ऊपर देखोगे तो आप सभी को पाई नेटवर्क देखने को मिलेगा। और अभी जो करेंटली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 270,000 $ के आसपास हमें देखने को मिलता है। मतलब कि एक पाई का जो प्राइस है वो $23.50 देखने को मिलता है, मतलब 24-25 डॉलर के आसपास हमें एक पाई का प्राइस देखने को मिलता है। और इसी के बिहाफ पे मतलब जो प्राइजेस है अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, ये तो फेक तरीके से एज अ पाई लिस्टेड है हर एक एक्सचेंजेस पे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, जिसमें कि सबसे पॉपुलर बाइनेंस है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो अब आप ये भी सोचो कि जब ये फेक तरीके से आ सकता है एज अ बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, जब ये रियल तरीके से आने वाला होगा, जब इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, तो क्या ये बाइनेंस पे नहीं आएगा? तो दोस्तों, ये बाइनेंस पे 100% आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइनेंस को भी इससे प्रॉफिट होगा। जिस तरीके से अभी बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है, इथेरियम बहुत पॉपुलर है, और सबसे बड़ी बात पॉपुलैरिटी की यही है कि उनका प्राइस के बाद उसके कितने सारे यूज़र बेस है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क का जो यूज़र बेस है, जो पावर है, वो आप सभी जानते हो कितनी ज़्यादा है। और जैसे ही ऑफिशियल इसकी लिस्टिंग होगी तो आप सभी को बाइनेंस के ऊपर इसकी 100% लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी लॉन्चिंग होगी, 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही आपको बाइनेंस के ऊपर और भी बहुत सारे टॉप एक्सचेंजेस के ऊपर, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर, हर एक एक्सचेंजेस के ऊपर आप सभी को देखने को मिलेगा। और जो इसके प्राइजेस की हम बात करें तो प्राइजेस भी बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं। और जो प्राइस है वो डिपेंड करेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड है और किस तरीके से सप्लाई जा रही है और किस तरीके से कॉइन की स्कैरसिटी है। क्योंकि जब बिटकॉइन अपने टाइम पे आया था तो कोई वैल्यू नहीं थी, और टोटल अभी के टाइम में 22-23 लाख टोटल बिटकॉइंस हैं, ठीक है, 22-23 लाख। और 22-23 लाख बिटकॉइंस को बड़े बड़े जो मिलीनियर्स लोग हैं, बिलीनियर्स लोग हैं, उन्होंने बाय कर रखा है, ठीक है। और जिनके पास स्टार्टिंग से माइनिंग किया था वो लोग मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड सेटअप भी उस लायक का था कि उनको पता था कि ये आने वाले टाइम के अंदर कितना हमें फ्यूचरिस्टिक बना सकता है, कितना हमें पैसा दे सकता है, कितनी इनकम बना कर दे सकता है। और सेम चीज़ अभी हो रही है, ठीक है। तो पाई नेटवर्क भी इसी तरीके से आपको फ्यूचरिस्टिक में बहुत अच्छा देने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे एक एंगल नहीं है देखने का, क्योंकि ये क्रिप्टो के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करता है जो मैं हर बार आपको बताता हूँ और आप सब भी देखते रहते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।